हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। सर्दी का मौसम आने ही वाला है और गोभी का सीजन भी आ गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों से शेयर करे जाएं गोभी के पकोड़े, जिसको मैं बहुत ही अलग तरीके से बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग से। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनके तैयार होंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा और देखिए कितने बढ़िया और टेम्पटिंग से ये लग रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही गजब के लगते हैं। जरूर ट्राई करिएगा इस मेथड से। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इन गोभी के पकोड़ों की रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने गोभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ज़्यादा छोटे पीसेस भी मत रखिएगा और ज़्यादा बड़े भी मत रखिएगा, मीडियम साइज़ के पीसेज हम इसमें लेंगे। और इसको मैंने धोया नहीं है, हम डायरेक्ट इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया है पानी और पानी के अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और नमक के साथ इसको मिक्स कर लेंगे पानी को। और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा हम इसके अंदर गोभी डाल देंगे। तो उससे क्या होता है, एक तो गोभी हल्की सी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और अगर उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी होगी या फिर कोई कीड़े वगैरह होंगे तो वो भी पानी के अंदर ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गोभी डाल दी है बॉयल आने के बाद और बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे। ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, नहीं तो जो गोभी है हमारी ओवर कुक हो जाएगी और फिर जो हमारे पकौड़े हैं बिल्कुल सौगी सौगी से बनेंगे, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट मैंने इसे बॉयल कर लिया है और अब इसको हम निकाल लेंगे पानी से। और सारी गोभी देखिए मैंने इसी तरीके से निकाल ली है और इसको अब हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें या फिर फ्रिज में 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें, बिल्कुल ये ठंडी हो जानी चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे कि ये गोभी सॉफ्ट है लेकिन क्रंच भी इसका बरकरार है। तो बस 2 से 3 मिनट ही हमें करना है, ज़्यादा नहीं करनी है। तो ये बिल्कुल अब ठंडी हो गई है, देखिए ऊपर से सॉफ्ट है और क्रंच भी इसका बना हुआ है। तो बस अब इसको हम एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर गोभी मैंने डाल दी है बड़े बर्तन में और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर के साथ साथ भुना जीरा पाउडर बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इसमें। और इसके साथ साथ डालूंगी 1/2 से 1 चम्मच आमचूर पाउडर, जो इसके टेस्ट को बहुत ही बढ़िया बना देगा। और साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी थोड़े से चिली फ्लेक और नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, लेकिन नमक जो है थोड़ा सा ही डालिएगा क्योंकि हमने जब बॉयल की थी तब भी उसके अंदर नमक था। तो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं मैंने और अब इसके अंदर मैं डालूंगी 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, या फिर आप इसके अंदर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। और 1/2 कटोरी डाल दिया है बेसन। तो हमें इसकी ज्यादा कोटिंग नहीं करनी है, बस हल्की सी ही कोटिंग करनी है। तो इस तरीके से टॉस कर लें और पानी भी हम इसके अंदर बहुत ही कम डालेंगे। तो ये देखिए टॉस कर लिया है अच्छे से और अब इसके अंदर हम 2 से 3 मुट्ठी भर के पानी डालेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। बस हमें इसकी एक हल्की सी लेयर चाहिए गोभी के ऊपर। नॉर्मली जब हम पकौड़े बनाते हैं तो उसमें हम बेसन को कोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बस हम हल्की सी इस पे लेयर देंगे और इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से टॉस करते हुए मैंने इस पे हल्की सी लेयर दे दी है बेसन की और कॉर्नफ्लोर की और अच्छे से हमारी गोभी जो है कोट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का चाहिए हमें। हमें ज़्यादा बेसन या कॉर्नफ्लोर इसके अंदर नहीं डालना है, गोभी के जो चंक्स हैं ये हमें दिखने चाहिए। और यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पे, तो तेल हमारा जो है गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर हम अपने पकौड़े फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही आप डालेंगे आप देखेंगे कि इसके अंदर झाग से आ रहे हैं, तो अभी आप इसे बिल्कुल ना पलटें जब तक कि इसकी जो कोटिंग है सेट ना हो जाए। तो ये देखिए जैसे ही इसकी कोटिंग सेट हो जाएगी ये अपने आप फ्लूट होने लगेंगे और इसका जो झाग है वो भी कम हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से अब इसको हम पलट देंगे और अलट पलट के हमें सुनहरा होने तक इसको फ्राई करना है, जब तक कि जो हमारी गोभी है इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए सारे जो पकोड़े हैं मैंने पलट दिए हैं। एक बार इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर आप लोगों ने कभी ट्राई ना किए हो तो। और अगर आप चाहें तो इसी से गोभी मंचूरियन भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस में, तो पकोड़े बना के और उसके बाद आप मंचूरियन की ग्रेवी में इसको डाल सकते हैं और 2-in-1 आपकी रेसिपी हो जाएगी तैयार। तो इसी से गोभी मंचूरियन भी बना सकते हैं और इसी तरीके से आप चाय के साथ या फिर सॉस के साथ इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलट पलट लिया है मैंने इसको और इसका कलर जो है सुनहरा हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी सी ये बनके तैयार हुए हैं। देखिए ऊपर से आपको दिख रहे होंगे बहुत ही क्रंची हैं
और हमने गोभी को बॉईल कर लिया था हल्का सा, तो अंदर से उतने ही ये सॉफ्ट बन के तैयार हुए। तो बस अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। आप इसे सॉस के साथ या फिर चाय के साथ या फिर सादे भी ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बस रेडी हो गए हैं हमारे बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग से गोभी के चटपटे से पकौड़े। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।